हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब ऐसे गर्मी के टाइम पे हमको जो अगर एसी चिल्ड नहीं मिलेगा अपनी कार पे तो क्या है, मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। गाइस, होता क्या है कि हमारे कार के जो एसी है ठंडी के टाइम हमेशा जो है हम बंद रखते हैं, जिससे होता क्या है कि हमको जो है प्रॉपर हवा नहीं मिल पाता एसी के कूलिंग कॉइल में, साथ ही साथ अपना कैबिन एयर फिल्टर में, साथ ही साथ कंडेंसर जो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, जिससे हमको जो है एक जिस टाइप का जो एसी कूल करता है पहले करता था उस टाइप का कूलिंग जो हमको नहीं मिल पाता। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे किस चीज़ को क्लीन करेंगे तो आपका एसी जो है काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा और आपको जो है बाहर शॉप में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस, एसी में तीन चार कंपोनेंट्स होते हैं जिससे जो है एसी वर्क होता है। सबसे पहले जो है कंडेंसर होता है, कंडेंसर में तो ऐसा कोई हाल फिलहाल कोई दिक्कत आता है नहीं। दूसरा होता है या अपना कैबिन का एयर फिल्टर, मतलब कैबिन का जो है एसी फिल्टर, और तीसरा जो होता है कूलिंग कॉइल, और तीसरा जो चौथा जो होता है कंडेंसर। वैसे चारों चीज़ें हैं जो एसी में लगे हुए होते हैं, और पांचवा जो है गैस। तो गैस गैस जो है ऐसा कैसे लीक तो होता है नहीं, रखा है लेकिन कभी किसी केस में लीक हो जाता है। 100 में से 99 गाड़ी में तो लीक होता नहीं है, अगर किसी गाड़ी का लग खराब हो या कुछ हो तो लीक हो सकता है, इसका कोई कहना है नहीं। तो इसमें आज के स्टूडियो में बताऊंगा कि हम जो है एसी को चिल कैसे करें। तो एसी को चिल करने के लिए गाइस तीन चीज़ हम साफ करेंगे। पहला जो अपना केबिन फिल्टर एसी का जो यहाँ पे लगा हुआ होता है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साफ करना। दूसरा जो है गाइस अपना कंडेंसर, तीसरा जो है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल में उतना दिक्कत नहीं आता, लेकिन जितना जो एसी फिल्टर साफ नहीं करोगे और अगर कंडेंसर साफ नहीं करोगे तो आपका कार का जो एसी जो है चिल नहीं होगा, उतना अच्छा जो अपना ठंडा हवा है नहीं दे पाएगा। तो गाइस, मैंने जो ऑलरेडी कर लिया, मेरे कार का एसी जो है काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो गया है। तो गाइस, मैंने एक बार पहले यूज़ कर लिया है सब चीज़, इसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे और हेल्पफुल हो। तो इस पहली चीज़ हम पहले अपना एसी फिल्टर साफ करेंगे, दूसरा जो है कंडेंसर में पानी मारेंगे। जब तक कंडेंसर में जो क्या है गाइस वो रेडिएटर के पास लगा होता है आगे, अगर रेडिएटर में अगर कंडेंसर में पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अपना जिसमें पहले से धूल मिट्टी जो भी लगा हुआ होता है गर्मी के टाइम से वो लगा हुआ रहेगा, उससे जो है हमको जो है एक अच्छा खासा हवा जो है ठंडा हवा जो है नहीं फेंक पाएगा। तो गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एसी फिल्टर साफ करेंगे, उसके बाद जो है कंडेंसर साफ करेंगे। दोनों चीज़ करने के बाद गाइस आपको एसी जो एकदम चिल्ड हो जाएगा, नहीं हुआ तो कहना। तो गाइस, फटाफट से हम सबसे पहले एसी फिल्टर साफ करने चलते हैं। तो गाइस, एसी फिल्टर जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है। सो गाइस, हमारा एसी फिल्टर जो है ग्लोव बॉक्स में लगा हुआ होता है, ये जो हमारा ग्लोव बॉक्स ओपन करेंगे। गाइस, अब इसमें जो सामान रखा है इग्नोर करना है, सब फालतू चीज़ें हैं। तो अब हम काम की बात करते हैं। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर लॉक बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये जो एक लॉक है और सेम जो उसी साइड भी बना हुआ है, देख सकते हैं गाइस अंदर यहाँ। तो गाइस, हमको करना क्या है, इसको जो अंदर प्रेस करना है, मतलब कि इसको जो ऐसे अंदर प्रेस करेंगे तो ये जो है इजीली बाहर आ जाएगा। गाइस, इसको भी अंदर प्रेस करना है और इसको भी जो है ऐसे अंदर प्रेस करना है। गाइस, दोनों को जो है एक टाइम पे अंदर प्रेस करेंगे तो इजीली बाहर आ जाएगा। तो फटाफट से हम इसको खोलते हैं। गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि एसी फिल्टर रहेगा उसको क्लीन कैसे करना है। गाइस, फटाफट से इसको खोल लेते हैं। सो गाइस, मैंने जो इसका जो है ये खोल लिया और देख सकते हैं ये जो लॉक है, और ये लॉक है इसको जो मैं दबा के नीचे निकाली और इसे इजीली बाहर आ गया। कैसे मैं बता दूँ कि करना क्या है, तो कैसे आप देख सकते हैं जो है अपना ब्लोअर मोटर है जिससे हम अपना फैन का जो स्पीड एडजस्ट करते हैं एसी का, ये वो मोटर है, यहीं से एडजस्ट होता है। तो कैसे आप देख सकते हैं ऊपर जो दिख रहेगा इसी जो है एसी फिल्टर का जो है जगह, यहाँ पर एसी फिल्टर जो है लगा हुआ था। फिर देख सकते हैं आप, यहाँ एक लॉक लगा हुआ है, उसको ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे खींचेंगे बाहर तो ये जो है बाहर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, कैसे आप देख सकते हैं ये अंदर में जो है फिल्टर लगा हुआ था। गाइस, मैंने जो है मैं अपने कार में जो है एसी फिल्टर का भी यूज़ नहीं करता, एसी फिल्टर का मैं नहीं यूज़ करता, मेरे को ज़्यादा जो है काफ़ी अच्छा कूलिंग मिलता है, तो मैंने इसमें जो है एसी फिल्टर यूज़ करना बंद कर दिया है। लेकिन आप क्या करना है, आप एसी फिल्टर लगा हुआ था उसका जस्ट बाहर निकालना, उसको क्लीन करके जो वापस लगा देना। अगर वो खराब होगा तो आप उसको क्या करना, रिप्लेस कर देना। गाइस, मैं कभी यूज़ नहीं करता, मेरे को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को तक हवा जो है इफेक्टिव जो है नहीं मिल पाता। तो हम क्या करेंगे, इसको जो वापस लगाने के लिए ऐसे जो है लगा देंगे। तो गाइस, आप लोग क्या करें, क्लीन करके जो वापस लगा देना। तो गाइस, हम लोगों ने ये क्लीन कर लिया, मैं बता देता हूँ कि कंडेंसर कैसे क्लीन करें। कंडेंसर जो आगे लगा होता है, फटाफट से जो हम कार के आगे चलते हैं। सो गाइस, हम कार के बाहर आ गए, मैं बताता हूँ कि एसी कंडेंसर होता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जो जाली जाली दिख रहा है वो है कंडेंसर होता है। तो किसी कार में जो है गाइस एक रेडिएटर एक कंडेंसर होता है, दोनों अलग अलग होता है, और किसी किसी कार में जो है एक ही में जो है दोनों दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है पानी मारेंगे। तो गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं जब कार को धुलाने जाते हैं डायरेक्ट उनको प्रेशर वॉश मारते हैं, तो उनको प्रेशर वॉश नहीं मारने से जो हमारा कार का जो रेडिएटर फिन जो है खराब होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, आराम से हल्का पानी मारना हो, चाहे देखना है कि कहाँ कहाँ कहीं मिट्टी हो तो वहाँ पर जो है ज़्यादा पानी मार देना। ऐसे करने से हमारे कार का जो एसी जो है काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा और आपको देखना एकदम कभी नोटिसेबल डिफरेंस आपको जो है देखने को मिलेगा। सो आज के वीडियो में सीते, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। चलो जल्दी से वीडियो को बंद कर देते हैं। थैंक यू।